जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जनाब बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि मैं आया हूँ जनाब पट्ठे पे। पट्ठा पंजाबी का लफ्ज़ है और पट्ठा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ईंटें बनती हैं, यानी वो ईंटें जिससे आपके घर और मकान तामीर होते हैं। तो यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए कि ईंट कैसे बनती है, उसकी ईंट की जो मिट्टी होती है वो कहाँ से लेके आते हैं और कितने दिन लगते हैं इसे सूखने में। पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। जी तो दोस्तों, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये कच्ची ईंटें बनती हैं और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भाई बना रहे हैं जी ईंटें। ये देखें, ये मिट्टी यार कोई खास मिट्टी है, ये कैसे कहाँ से लेके आते हैं? ये बोलना गूं ताजी मिट्टी में आया, कितों ले आंदे? स्पेशल आंदी है, बोल स्पेशल आंदी है, स्पेशल आंदी है, कितों ले आंदे है मिट्टी? कम से कम जी 30 मील तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਓ। अच्छा 30 मील तो ले आंदे, किस जगह तो? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੋਚੀ ਵਾਲੇ ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 12 1 ਵਜੇ ਫਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, 7 ਤੋਂ 12 1 ਵਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਣਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, फिर बाद जो पकाई शुरू मोर को कच्ची उदे गई तो उदे बैठे ही पकनी होंगी। तो ये देखें जी, बहुत मेहनत का काम है ये, मतलब ये नहीं है कि अभी। ये देखें कितना बड़ा इनका ना, ये हर जगह पे लो कैमरा, हर जगह पे ये देखें ये ईंटें ही बन रही हैं। और आगे तो वैसे भी गर्मी ज़्यादा होगी, तो ये बहुत मेहनत का काम है। और ये देखें कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं इस गर्मी में, लेकिन इनको जो पैसे होते हैं ना, इनकी मजदूरी उतनी नहीं मिलती जितनी इनको मिलनी चाहिए। मालिक हज़रात हैं, उनको ख्याल करना चाहिए इनका। तो बाकी ये देखें, अभी हम चलते हैं जहाँ पे जो ये कच्ची ईंट है जी। हाँ जी हाँ, और इस ईंट कच्ची ईंट को फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं पट्ठे पे। पट्ठे पे तो वो प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये रेडी आ गई है, इस पे ये लोड करेंगे। पहले सुकान गए ना जी? हाँ, इतने सुकेगी तो फिर कितनी देर इनू सुकान दे लो? लोड रही है और रेडी, ओदे ला लो आप। तो यह कितनी देर इनू सुकान दे लग रही? तकरीबन हफ्ता लग जाता है। हफ्ता यानी पई रहती है? रहती है, हफ्ते तो बाद भट्ठे ही जाती। अच्छा सही है, यानी हफ्ता कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं, कम से कम 4-5 दिन। तो बारिशों के वजह से मसला होता है ना, मुड़ खत्म हो जाती है, बंद हो जाता काम जी? हाँ बंद हो। ये भी मसला है, यानी कि ये जब बारिशों का सीज़न होता है तो ये तकरीबन बंद हो जाता है। ये देखें, ये रेडी आ रही है, इस रेडी पर ये जब जो ईंट सूख चुकी है उसे लेके जाएंगे जनाब उस पट्टे पे। तो आए आपको वो भी दिखाते हैं। आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए कि जो मेहनत कश हमारे पाकिस्तानी हैं पट्टों पे काम करने वाले, वो कितनी मेहनत करते हैं और उनको जनाब जो पैसे हैं बहुत कम मिलते हैं इनकी मजदूरी। तो ये हमारे साथ, आपका नाम क्या है? अलादित्ता साहब जी। जी अलादित्ता साहब हैं, ये हमारे यहाँ पे गाइड हैं, ये हमें गाइड कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं जी आगे का जो प्रोसेस है ना, कच्ची ईंट बनने के बाद, सूखने के बाद क्या बनता है उसका, तो वहाँ पे चलते हैं। ये हम जनाब अंदर आ गए हैं और ये देखें जनाब, ये है सूखी हुई ईंट जो रेड़े पे जो है इस पर लोड करके यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, और ये भी देखें, और ये वाले यहाँ पे जनाब ये देखें सूखी हुई ईंटें यहाँ पे लगाई जा रही हैं।
कच्ची ईंटें। अच्छा ये जनाब लेबर है यहाँ की, ठीक है। तुसी जितनी ये जनाब ये हैं रेहड़ियाँ, ए की चीज़ है वाली है की है। अच्छा सही मतलब। अच्छा धुआं वगैरह निकलता है, जी हीट वगैरह सेक वगैरह निकल जाता है। सही है। अब हम जा रहे हैं जी ईंट जहाँ पे पकती है, यानी कि जो उसकी फाइनल लुक आती है ना, उस तरफ हम जा रहे हैं। ये जनाब हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे ये ईंट पकती है, यानी इसके जो ये चीज़ें हैं ना, इनके अंदर से हीट आती है। तो चाचा जी किन्ने दिन लगते हैं नू, यानी कि इतने रखने किन्ने दिन लग जाते हैं? महीने बाद जगह चावना ने, एक महीने बाद, यानी एक महीना इतने ढेरी ला देनी। हाँ महीने बाद इतों चुकनी चुकनी है, यानी कि एक किट नू तकरीबन महीना लग जाता है पकन से पकन से। तो ये तकरीबन एक महीना एक ईंट को लगता है जी। और वो एक नंबर ते दो वाली दो किस्म होती है, एक नंबर ही होती है, दो ही से होती है सारा कुछ। तू जेड़े काम में खलया वो कर, जेड़ी जेड़ी मतलब कच्ची इट होती है एक पक्की होती है, कच्ची उठे आ जाती है सारे। अच्छा अच्छा। ते जेड़ी ते कच्ची रह जावे आ विच पई रहंदी दोबारा मोड़ भरी जाती है। अच्छा अच्छा। इन्हां दा ते उन्हां दा रेट दा फर्क हुंदा ना? जी हां जी हां जी। वो तो कच्ची ही होई वो तो सही है। ये जनाब हमारे साथ अशर भी आए हुए हैं, और जनाब किन्नू किन्नुओं को रगड़ा दिए जा रहे हैं। ये किन्नू खाने आए हुए हैं। इसके अलावा बाकी रेड़े वाला, कोई पिकासी वाला, कोई मिट्टी वाला, बाकी जो इसके साथ अटैच है सीमेंट वाला, सरिया वाला, भट्टा इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यानी कि 300-400 खानदान है यहाँ पे जो इसके साथ काम करते हैं। सही है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना भट्टा इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड ही नहीं करती। अच्छा। कोई एक जीरो बराबर रिलीफ नहीं मिलता इधर से। सही है। ठीक है ना। तो ये तो पूरे पाकिस्तान में तो लाखों खानदान होंगे जो इस अगर भट्टा एक भट्टा बंद हो जाएगा ना तो तकरीबन काफी सारी मशीनरी जो अटैचमेंट है एजेंसियां वो बिल्कुल रुक जाएगी। कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग यानी कि इंडस्ट्री तो बिल्कुल रुक जाएगी। बिल्कुल सही है। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें गाइड किया। थैंक यू सर। तो आपने जनाब ये देख लिया कि हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है, ईंट कैसे बनती है और लेबर किस तरह मेहनत कर रही है। तो बाकी ये है कि आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मेरी वो सभी ऑनर्स जो मालिक हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मेहनत कश हैं इनकी इनका ख्याल करें, और इनको जितनी बेहतर से बेहतर इनको मजदूरी दे सकते हैं वो दें। तो चलिए थैंक यू वेरी मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और आज का जनाब व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।